ये देखिए भाई, उस टाइम ये इंग्लिश यूज होती थी। देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो पत्थर है वो किसी MGN कंपनी के हैं। लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी। ये है भाई जंपिंग स्पॉट। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव के साथ में नीचे छलांग लगाई थी 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि को। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज दोबारा से पहुँच चुके हैं झांसी फोर्ट पे। आपको इसका ब्लॉग मैं पहले भी दिखा चुका हूँ अपने चैनल पे, झांसी फोर्ट का। एक बार दोबारा से विजिट करते हैं भाई, चलते हैं। ये है भाई सामने का नज़ारा झांसी के किले का। ये है भाई इसका फ्रंट गेट, चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। झांसी किले में एंट्री के लिए एक 2500 रुपये का टिकट लेना होता है, और एंट्री करने से पहले यहाँ पर इस किले के बारे में फुल हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस किले का निर्माण सन 1613 ईस्वी में ओरछा के जो बुंदेला राजा थे वीर सिंह जूठे उनके द्वारा करवाया गया था। और ये जो किला है वो बंगरा नाम की एक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले पर पहले बुंदेलों का आधिपत्य रहा, उसके बाद मराठों का आधिपत्य हुआ। मराठों का आधिपत्य इस पे गंगाधर राव के टाइम रहा, उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर के व्यू। ये है भाई कुछ अंदर के व्यू। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई जो काव्य है वो लिखा हुआ है। ये वही काव्य है, इसमें कहा जाता है कि मुंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी इस झांसी दुर्ग का पूरा इतिहास दर्शाया गया है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसका फुल मैप दिखाया गया है कहाँ पर क्या स्थित है, और जो यहाँ पर देखने लायक जगह है वो भी यहाँ पर बताई गई है। ऊपर चलने से पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक कड़क बिजली तोप, इसका नाम है कड़क बिजली तोप, जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। आपको इंडिया की जो सबसे बड़ी तोप है, जो पहले नंबर सबसे बड़ी तोप है, वो थी जयबाण तोप, जो कि आपको जयगढ़ किले में दिखाई थी हमने आपको जयपुर में। और उसके बाद अब दिखाते हैं आपको कड़क बिजली तोप, जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति है वो सिंह के समान है, और इसमें नेत्र और भौंहें दिखाए गए हैं शेर के, और चलने पर यह तो बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी, इसलिए इसे कड़क बिजली तोप कहा जाता था। इसकी कुल माप 5.50 मीटर × 1.80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है। गुलाम गौस खान इस तोप को चलाया करते थे। अब दिखाते हैं आपको इस तोप। ये भाई देखिए, इसमें अभी भी एक गोला फंसा हुआ है। ये पूरी अस्त धातु की बनी हुई है। ये देखिए सिंह के समान इसके जो भौंहें और आंखें हैं वो दिखाई गई हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं भाई आगे। आपको अब सबसे पहले ऊपर ले चलते हैं, वो है भाई गेट जहाँ से अंदर एंटर करना है। ये जो रास्ता है वो जिगजैग टाइप बनाई गई है, सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए ये रास्ता जिगजैग बनाई जाती थी, जिससे कि जब कोई घोड़े वगैरह से आए या हाथियों से आए तो उनका बैलेंस बिगड़ जाए, और उनका बैलेंस बिगड़ जाए और सुरक्षा के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। ये रखी हुई है भाई मशीन गन, जो कि यहाँ पर पहले नहीं हुआ करते थे। ये जब अंग्रेज आए तब लॉर्ड डलहौजी इसे जर्मन से लेके आए थे, तो ये उस टाइम की मशीन गन रखी हुई है। पहले तोप का यूज किया जाता था,
इस साइड भी रखी हुई है और एक गेट के इस साइड है। अब चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर के कुछ व्यू। ये भाई कुछ गेट लगे हुए हैं यहाँ पे, जो कि पहले लोहे के नहीं होते थे, अंग्रेजों के टाइम पे शायद लगाए गए हों, पहले लकड़ी के गेट हुआ करते थे। और यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सामने आपको दिखती हैं दो छोटी छोटी तोप। ये देखिए भाई, एक ये रखी है और एक रखी है ये गेट के जस्ट सामने रखी हुई है। इनका क्या काम रहता था, जब कोई राजा एंटर करते थे तो उनके स्वागत के लिए इन तोपों को चलाया जाता था, इन दोनों तोपों को जो कि गेट के जस्ट सामने रखी हुई हैं, तो इन तोपों को स्वागत के लिए चलाया जाता था। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे एक व्यू आपको दिखाते हैं। अब हम मेन गेट से जैसे ही थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखती हैं समाधियाँ। यहाँ पर जो गुलाम गौस खान जो कि मुख्य तोपची थे, और जो महिला तोपची थी मोतीबाई, और खुदा बख्श थे जो अश्वारोही नेता थे, उन तीनों को मतलब उन तीन वो तीनों 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं की यहाँ पर समाधि बनी हुई है। अब यहाँ से ऐसे ही आगे चलते हैं तो हमें दिखता है ये पंचमहल, जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं इसकी जो मोटी मोटी दीवारें हैं जिन्हें अंग्रेज नहीं भेद पाए, उनको दिखाते हैं सबसे पहले। पंचमहल आपको दिखाएंगे उसके बाद। तो वहाँ चलने से पहले सबसे पहले चलते हैं इसके पीछे वाले हिस्से में, यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है। यहाँ तो भाई बंद है। ये है भाई इसके किले का पीछे का हिस्सा, पिछला हिस्सा। ये देखिए यहाँ पर भी मोटे मोटे गेट लगे हुए हैं लोहे के, और ये है भाई इसका पिछला हिस्सा जो कि अब खंडर हो चुका है, टोटल खंडर हो चुका है भाई। यहाँ पर भी देखिए आप, पूरा खंडर हो चुका है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। देखो बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना रात में लाइट शो होता है, तो वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है। ये सामने देखिए कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर शायद जो गार्ड वगैरह हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था है, शायद ऐसा ही कुछ है, अब मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ। चलते हैं भाई यहाँ से, यहाँ तो कुछ देखने लायक नहीं है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आपको। भाई अभी साइकिल चला के आए हैं, तो इस पर ऊपर चढ़ने में ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है भाई। अब चलते हैं इसके ऊपर। ये जो रास्ता है इस टाइप से बनाई जाती थी कि इस पर तोप वगैरह आराम से चढ़ सके ऊपर। ये देखिए भाई, ये भाई देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा झांसी का व्यू। ये देखिए क्या शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से भाई, झांसी सिटी का आसपास, झांसी सिटी के आसपास हैं पहाड़ियाँ और बीच में बसी हुई झांसी। ये जो पहाड़ी हैं विंध्याचल की श्रेणी है। यहाँ पर जो आप किले की मतलब दीवारें देख रहे होंगे, ये भी देखिए भाई कितनी ज़बरदस्त, कितनी मोटी दीवारें हैं भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये भाई जगह जो आपको दिख रही हैं, ये बनाई जाती थी रक्षा के लिए, यहाँ से सैनिक निगरानी रख सकते थे। पहले ना इस टाइप के जो लोहे की लगे हुए हैं ना, ये पहले नहीं लगी थी, इसका एक टाइप का टूट गया है, बिल्कुल ऐसा ही रहता था, केवल इतनी जगह रहती थी। ये लगाई जाई थी जब अंग्रेजों के टाइम पे, जब मशीन गन आ गई थी ना उस टाइम पे लगाई गई थी, नहीं तो तोप चलाने के लिए केवल ये जगह रहती थी, क्योंकि ना तोप के लिए तो बड़ी जगह चाहिए है। तो ये जब लगाई जाती थी जब अंग्रेज आए थे तब लगाई गई थी। ये देखिए भाई उस टाइम में इंग्लिश यूज होती थी, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो पत्थर है वो किसी MGN कंपनी के हैं, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो आपको ये जगह दिख रही है, ये जो नीचे आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर तोप रख के चलाई जाती होगी भाई। रक्षा की माध्यम से तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किला बनाया गया है। देखिए यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला आपको नहीं देख सकता है, आप कैसे भी यहाँ से बाहर देख सकते हैं भाई। यहाँ पर भी देखिए ये वॉच टावर है, इसे बोलते हैं वॉच टावर, जिससे कि आप चारों साइड देख सकते हैं। यहाँ से आता है चारों साइड का व्यू, वहाँ सामने शायद आपको दिख रहा हो वो पहाड़ी से पहले, वो शायद एयरपोर्ट है झांसी का, शायद मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है। अब और अभी आगे चलते हैं और भी आगे दिखाते हैं आपको।
ये देखिए भाई कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज की गई, मतलब आप इसमें इस साइड भी देख सकते हैं, एक ही होल से इस साइड भी देख सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पांच पांच साइड देखने के लिए बनाया गया है भाई। वो मुझे पता नहीं है कहाँ है, मैंने पिछली बार देखा था लेकिन इस बार नहीं दिख रहा है, ध्यान नहीं है। देखो यहाँ पर लेकिन अभी दो साइड देखने के लिए बनाया गया है भाई, ये दिख गया भाई। और भी दिखते हैं तो आपको दिखाते हैं जहाँ पांच साइड देखने के लिए हो। और अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो भाई आपको अभी दिखाते हैं यहाँ पर तोप रखने के लिए जो जगह होती थी। ये भाई देखिए, ये तोप रखने के लिए जगह होती थी, ये भी जगह तोप रखने के लिए है, इनसे ऊपर चढ़ाई जाती थी तोप। और अब जब अंग्रेज आए थे तब इस टाइप के लगाए गए थे। ये देखिए दोनों साइड लोहे के, पहले इस टाइप की जगह हुआ करती थी। अब इससे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सामने दिखती है एक कोठी जिसमें कि अभी काम चल रहा है, बन रही है। ये पहले टूट गई थी तो ये फिर ईंट की बनाई गई है, पहले पूरा महल है पत्थर का बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसी पहाड़ी के पत्थर हैं और अब बन रही है ईंट की, कुछ बन चुकी है, कुछ पहले से ही बन चुकी है। अब पता नहीं इसके ऊपर शायद वो लाल पत्थर नहीं होता है जो रूफ टॉप, वो बन रहा है भाई। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको आगे के व्यू दिखाते हैं भाई। ये देखिए भाई क्या ज़बरदस्त इसकी सजावट की गई है, यहाँ पर घास है चारों साइड। ये देखिए भाई लग रहा है ना प्यारा। और यहाँ पर कुछ रूम बने हुए हैं जो कि अब स्टोर रूम के टाइप काम आते हैं। पहले ना गुम्बदाकार बनाई जाती थी हर जगह क्योंकि बुंदेला स्थापत्य कलाम बनी हुई है। ये है भाई एक रूम, इसमें शायद हथियार रखे जाते होंगे उस टाइम पे। और काफ़ी बड़ा रूम है यार, मुझे इसीलिए लग रहा है इसमें हथियार रखे जाते होंगे। आपको देखो गुंबद दिख रही है ना, इस साइड भी गुंबद दिख रही है, इस साइड भी गुंबद दिख रही है। तो ये गुंबद जो होती है वो बुंदेला स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ से आगे और चलते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जंपिंग स्पॉट और भी कई जगह है। तो भाई चलते रहे, बने रहिए वीडियो में, एंजॉय कीजिए वीडियो को और चलते हैं आगे, आगे दिखाते रहते हैं आपको। ये भाई देखिए यहाँ पर भी लोहे के गेट लगे हुए हैं। ये देखिए भाई यहाँ पर, ये देखिए आप कितने मोटे मोटे हैं यार, बहुत वजन है इनमें यार, कैसे इन्हें यूज किया जाता होगा। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो आपको अभी दिखाते हैं हम यहाँ के नज़ारे। ये है भाई आमोद बाग, ये है भाई आमोद बाग, ये जो आपको नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ के, इसे आमोद बाग बोलते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाते हैं जो कि पहले इसका यूज होता था और बाद में होना बंद हो गया इस चीज़ का यूज। तो भाई वो है यहाँ का फांसी घर, ये है भाई हैंगिंग पॉइंट फांसी घर, हैंगिंग टावर, ये है भाई फांसी घर। क्या हुआ था कि एक बार की बात है, ये जो रास्ता है ये शंकरगढ़ जाने के लिए रास्ता है, मतलब शंकर जी का मंदिर है यहाँ पर, वहाँ जाने के लिए रास्ता है। तो भाई यहाँ पर एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी, उसी को देख के रानी लक्ष्मीबाई बेहोश हो गई थी। तो तभी से यहाँ पर फांसी देने का प्रचलन ख़त्म हो गया, झांसी में फिर फांसी नहीं दी जाती थी। अब भाई और आगे चलते हैं, नीचे चल रहा है भाई म्यूजिक, तो भाई कॉपीराइट के प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग। मैं अभी वहाँ की आपको हिस्टोरी बता देता हूँ। नीचे है भाई शंकर मंदिर जिसे शंकरगढ़ बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर है शंकर जी का मंदिर। सेकेंड नारू शंकर जो यहाँ के शासक हुए हैं उनके टाइम पे इस किले की जो रक्षा प्राचीर है वो बनवाई गई थी, शंकर जी का मंदिर बीच में था इसलिए शंकरगढ़ नाम से फेमस हो गया। अब चलते हैं आपको दिखाते हैं भाई, थोड़ा एडजस्ट करना आप लोग क्योंकि नीचे चल रहा है म्यूजिक, म्यूजिक में बनाएंगे वैसे कोशिश तो करेंगे फिर कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते हैं। चलते हैं भाई, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है तो आवाज़ थोड़ी कम क्लियर आ रही होगी। ये है भाई देखिए रास्ता,
ये है भाई देखिए, शिव मंदिर के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है। नारू शंकर के काल में यह मंदिर निर्माण करवाया गया और मराठा और बुंदेला स्थापत्य कला के मिश्रण का सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित पूजा अर्चना के लिए आती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इसकी जो मुख्य शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। शिवरात्रि पर यहाँ भी आज भी कई भक्तों की भीड़ होती है भाई। ये है भाई देखिए यहाँ का मंदिर। तो भाई अभी आपको दिखाया था फांसी घर, वो इस साइड है, इस जंगले से आपको शायद बाहर से दिख रहा हो कुछ। तो उसके लिए जो रस्सी थी वो इसमें लगाई जाती थी भाई। ये जो आपको रोलर दिख रहा है ना, इसमें उस रस्सी को लगाया जाता था। अब इससे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और आपको दिखती है एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, वो आपको दिखाते हैं भाई क्या है। ये है भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो आपने अभी हैंगिंग टावर देखा था फांसी घर, वो भाई यहाँ से कहाँ दिख गया भाई, कहाँ गया, ये है भाई, दिख रहा है ना, ये है भाई वो फांसी घर, ये उसका ऊपर से व्यू है। ये है भाई दीवाने खास, जो कि अब बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों बंद कर दिया है। हम पर जो खास लोग हुआ करते थे जब दरबार लगता था तो वो लोग बैठते थे। और यह है दीवाने आम, यहाँ पर आम जनता बैठती थी, यहाँ पर राजा और खास लोग बैठते थे, यहाँ पर आम जनता बैठती थी और सुनवाई होती थी। यह है भाई पंचमहल जो आपको सामने दिख रहा है, अभी इसके बारे में आपको बताते हैं। यह एक पंचतली भवन था जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का जो ऊपरी तल है वो ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था। पुरातत्व अन्वेषण से आके विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अब चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू। ऊपर जाना तो बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों ऊपर जाना अलाउ नहीं है। ये आप चैनल देख सकते हैं, इसमें ताला लगा हुआ है भाई। अब इसके अंदर चलते हैं और अंदर भी भाई काफ़ी अंधेरा है। क्या है ना कि अभी सूर्यदेव थोड़े मेहरबान हो गए हैं मुझ पे, तो उन्होंने कुछ अंधेरा कर दिया है, मतलब बदरे हो गए, बादल हो गए हैं भाई। मुझे तो फ़ायदा ही है भाई, सच में यार फ़ायदा है यार, गर्मी नहीं लगी यार। वहाँ से आ गया ओरछा से, अभी मोठ निकलना है, अभी 56 किलोमीटर जाना है, टाइम लगभग 6 बज चुके हैं। अभी इससे पहले विजिट करना है फिर जाना है। तो भाई ये वाला देखिए आप, इसमें आपको जो गोल गुंबद दिख रहे हैं, ये भाई बुंदेला स्थापत्य कला का एक विशिष्ट नमूना है। इस जगह पे वो अंग्रेज़ों ने लगभग 3 दिन गोलाबारी की थी, लेकिन फिर भी इसका कोई बाल वांका नहीं हुआ। ये अभी हम तीसरे तल पे हैं भाई, ये देखिए यहाँ पर भी जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं वो बंद कर दी गई हैं। चलते हैं भाई और भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी जो कलाकारी है वो की गई है पत्थर पे, लेकिन कुछ अपने यहाँ के भी कलाकार लोग हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मंजेश श्वेता यादव। भाई मंजेश भाई यार क्यों ऐसा करते हो यार। ये देखिए भाई कितनी प्यारी नक्काशी की गई है भाई। आप चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन नीचे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यार नीचे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे टोटल अंधेरा, यहाँ पर तब भी कुछ ठीक था। अब चलते हैं इस किले का जो मेन अट्रैक्शन है वो दिखाते हैं आपको। तो भाई अभी हम इस किले के ऐसे हिस्से में आ चुके हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हिस्सा है। ये भाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए किस लिए फेमस है, ये किस लिए फेमस जगह है भाई, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पर भाई फेमस है, अगर आपने लगा लिया हो तो आप कमेंट में बताना क्या है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये है भाई जंपिंग स्पॉट। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव के साथ में नीचे छलांग लगाई थी 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि को।
और प्राकृतिक ढाल के सहारे तथा अपने अदम साहस के बल पर रानी किले से निकल कालपी और वहाँ से ग्वालियर पहुँची, जहाँ दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। अब दिखाते हैं आपको और इसके नीचे के नज़ारे। ये है भाई इसके नीचे का व्यू। बस छलांग लगाई थी, वो लगाई थी इस जगह पे, आप देख सकते हैं। और ये जो सामने आपको जो जगह दिख रही है, ये भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई गई है। काफ़ी जगह है, काफ़ी बढ़िया जगह बनी हुई है। पहले ना रेन वाटर को हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि इतने साधन नहीं थे, पानी के इतने संसाधन नहीं थे, तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जगह बनानी होती थी। और वो आज भी होना चाहिए, क्योंकि यार वैसे भी पानी की कमी होती जा रही है धीरे धीरे। अभी ना इस टाइम पे थोड़ा बादल भी सही है, तो भाई सूर्य भी इतने तेज नहीं है, धूप भी इतनी तेज नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई जी? राजस्थान से। राजस्थान? ये भैया आगरा से। राजस्थान मैं भी कवर कर चुका हूँ भाई, साइकिल से पूरा राजस्थान। आप राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान में मैं करौली से हूँ। अच्छा, अच्छा। भाई राजस्थान में दौसा से। अच्छा भाई, आप लोगों को कैसा लगा ये किला? वैसे राजस्थान में तो किले ही किले हैं, कोई कमी नहीं है। हम लोगों की कल्पना तो ये है कि उस टाइम पे जो युद्ध हुआ होगा वो कितना भयानक हुआ होगा वहाँ। तो भाई जी राजस्थान में तो मैंने देखा है, मैं बहुत से किलों में कवर किया हूँ, साइकिल से ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई राजस्थान में तो और भी अच्छे अच्छे किले हैं, और भी काफी सुंदर किले हैं। तो यहाँ का आपको कैसा लगा राजस्थान के, मतलब मुकाबले बोला जाए, क्या बोला जाए? तुलना तो दोनों की नहीं की जा सकती, पुरातात्विक स्थल है ये, वहाँ भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी बहुत अच्छा है। ठीक, थैंक यू भाई जी, मैं भी लेट हो रहा हूँ। ये भाई देखिए यहाँ पर लगा हुआ है तिरंगा, जो कि यार मुझे लगता है कि पहले से कुछ छोटा लगा हुआ है, पहले इससे बड़ा लगा था भाई, अब लगता है ये छोटा है। तो भाई वहाँ जंपिंग स्पॉट से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर दिखता है भैरव मंदिर। यहाँ इस किले में अभी टोटल 3 मंदिर हैं, एक शंकरगढ़ जहाँ पर आपको दर्शन कराए, दूसरा ये है भैरव मंदिर, और तीसरा है गणेश मंदिर जहाँ आपको दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करते हैं सबसे पहले। ये देखिए भाई, दर्शन कीजिए भैरव नाथ के। जय हो भैरव बाबा, जय भैरव नाथ। दर्शन कीजिए, उसके बाद अब चलते हैं और भी आगे, और भी यहाँ के व्यू देखने के लिए, कैप्चर करने के लिए। अब दिखाते हैं भाई आपको इस किले का कारागार। ये है भाई इस किले का कारागार, जहाँ नीचे जाना तो अब बंद कर दिया है। ये देखिए भाई, यहाँ पर नीचे जाना बंद कर दिया गया है। ये भाई इस किले का कारागार था। और अब और भी नीचे चलते हैं, इस किले के जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं उसके नज़ारे। ये है भाई कारागार जो आपको नीचे दिख रहा है। अब चलते हैं, दूसरे साइड चल रहे थे यार, ये रास्ते में दिख गया तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग गए थे ऊपर साइड, अब चलते हैं इसके जो सेकंड पार्टीशन है, दूसरा हिस्सा है इसके किले का, यहाँ चल रहे हैं। अब जैसे ही इसमें एंटर करते हैं तो सबसे पहले सामने आपको दिखता है गणपति बब्बा का मंदिर। चलते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस मंदिर के बारे में, तो कहा जाता है कि परंपरागत मराठा शैली में ये मंदिर निर्माण करवाया गया और ये भगवान गणेश को समर्पित है। ये 2 मंजिला मंदिर है। इस गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार कटावदार मेहराबों से सुसज्जित है। प्रवेश ढ्योड़ी में के पश्चात लघु आंगन है तथा आंगन एवं गर्भगृह के मध्य एक मंडप है, जिसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। मंदिर के गर्भगृह की छत विभिन्न ज्यामिति तथा पुष्पाकृतियों से सुसज्जित है। अब चलते हैं भाई इसमें दर्शन करते हैं। यहाँ पर दर्शन कीजिए सबसे पहले बाबा बजरंगी के और तुलसी माता के, उसके बाद ये है ऊपर मंदिर, यहाँ चलते हैं दर्शन करते हैं। ये है भाई मंदिर, यहाँ दर्शन कीजिए बाबा गणपति के, बाबा गणेश के। जय हो गणेश महाराज, जय गणपति बब्बा। अब इस मंदिर से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखती है, जो कि आप नीचे भी देख कर आए हैं। ये है भाई भवानी शंकर तोप। ये भाई देखिए, ये भी काफ़ी बड़ी है भाई। ये भाई भवानी शंकर तोप, जिसका ये आगे का हिस्सा देखिए,
टूट चुका है और इसे महिला तोपची मोतीबाई चलाया करती थी। जो एक तोप है भवानी शंकर तोप, इसे मोतीबाई चलाया करती थी और जो नीचे तोप रखी थी उसे गुलाम गौस खान चलाया करते थे। अब चलते हैं भाई, यहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए रह गई है, वो है भाई सामने आपको दिख रही होगी बारादरी। ये है भाई सामने बारादरी, ये गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाई थी, जो से कि संगीत इत्यादि में और संगीत नृत्य में काफ़ी रुचि थी। इसमें जो ऊपर जो टंकी दिख रही है ना, जो गहराई दिख रही है, वो एक टंकी का काम करती थी, इसमें पानी भरा जाता था और इसमें साइड में छोटे छोटे छिद्र थे जिससे कि पानी नीचे आता था और बढ़िया से फब्बारों के टाइप में आता था। तो भाई यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करता था। इसे बारादरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 12 द्वार हैं, तीन तीन द्वार चारों साइड हैं। अब भाई यहीं से इसे कवर कर लिया है यार, हालत थोड़ी गड़बड़ है। वो तो क्या है ना कि सूर्य भगवान थोड़ा मेहरबान हो गए, इसलिए आपको दिखा भी दिया है, किला पूरा विजिट करवा दिया बढ़िया तरीके से। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई अभी निकलना भी है मौट के लिए, मौट यहाँ से लगभग अभी 60 किलोमीटर है चलना है यार। देखते हैं भाई कहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते हैं मौट की नहीं पहुँचते हैं, टाइम तो भाई काफ़ी हो चुका है, रात में ही पहुँचेंगे अंधेरे में, देखते हैं चलते हैं भाई। तो भाई झांसी फोर्ट तो पूरा विजिट कर लिया है, अब उठाते हैं अपनी साइकिल और फिर निकलते हैं मौट के लिए। देखते हैं भाई, रात में ही पहुँचना होगा, अब देखते हैं रास्ते में बस कोई प्रॉब्लम ना आए, पहुँच जाएँ आराम से।